ने बताया कि साधु संत भी परेशान होता है पर वो नेविगेट करना जानता है आप लोगों के जीवन में क्या परेशानी है इतने तेज बढ़ रहे हैं और उसका एक्सेप्टेंस आ गया है आप क्या कहते हैं डिवोर्स का एक्सेप्टेंस आना चाहिए या आदमी को एडजस्ट करते रहना चाहिए तो फ्रेंडशिप पे रिलेशनशिप्स होने लगे क्या लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप बढ़ेगा और आप भी ऐसा फील कर रहे हैं इंसान जीवन में जो कुछ करता है वो खुशी के लिए करता है खुशी प्राप्त करने के लिए करता है इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस एवरीबडी इज़ इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस हर इंसान नौकरी करना चाहता है व्यापार करना चाहता है पढ़ना चाहता है कोई लड़की को प्रपोज करना चाहता है सुंदर कन्या के साथ विवाह करना चाहता है सब में वो खुशी ढूंढ रहा है

हम आप तक पहुंचाते हैं तो स्पिरिचुअल गुरु इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुआ करते थे ये, ये इंसान का हमेशा ऐसा ही स्वभाव बना रहता है तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसके जिसका कहीं उत्तर मिलता नहीं कहां मिलता है गुरु के पास और इसीलिए कभी कभी गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना जाता है आज एक ऐसे ही हमने गुरु को बुलाया गौर गोपाल प्रभु को की बातों से बदल जाता है सोचने का तरीका ये बदल देते हैं आपकी जिंदगी को जीने का सलीका 17 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं 4.8 मिलियन यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं और लाखों करोड़ों लोग दुनिया भर में देखते हैं लोग उन्हें बार बार सुनते हैं क्योंकि इनकी बात उनको समझ में आती है लाइफ रिलेशनशिप पीस हैप्पीनेस आज इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे चलिए पूछते हैं वो सारे सवाल जिनके उत्तर आपको कहीं नहीं मिलते किन से गौर गोपाल प्रभु से गौर गोपाल जी आपको गौर गोपाल दास कहें गौर गोपाल प्रभु कहें वैसे तो गौर गोपाल प्रभु बोलना चाहेंगे अगर आप हमें अलाउ करें आप जो भी बोले हमें पसंद आएगा नहीं तो लोग तो हमको ऐसे ऐसे नामों से बुलाते हैं हम कहीं गए थे उन्होंने हमको कहा हमारे बीच में आज गोल गोपाल आए हैं <laughs> तो आप तो कम से कम गौर गोपाल कह रहे हैं तो फिर जो भी आप पसंद करिएगा नो प्रॉब्लम मतलब ये आपकी ख़ास बात है यू यूज लड़ ऑफ ह्यूमर जिससे लोग बहुत इंगेज होते हैं बहुत पसंद करते हैं आज ना मैं क्यों आते हैं लोग संत के पास साधु के पास एक मंक के पास मोनिस्ट्री आश्रम क्यों जाते हैं लोग मिलने मेरा मानना है वो कहावत है कि सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यों है इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है आज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में देखता हूँ इंडिया पाकिस्तान से पीछे है वन हमारी रैंक है आउट ऑफ वन कंट्रीज तो ये आनंद जो हर व्यक्ति चाहता है स एट एवरीबडी वॉन्ट्स आपने भी बहुत हैप्पीनेस देखा जो आपने अपना इंजीनियरिंग छोड़ा इस यहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ मैं कई बार कहता हूँ कि मौत को लोग यूं ही बदनाम करते हैं तकलीफ वैसे जिंदगी से है। तकलीफ तो वैसे जिंदगी से है। पहले ऐसा हुआ करता था, था ना कि आ, कभी लाइफ में थोड़ी टेंशन हुआ करती थी आज टेंशन में थोड़ी लाइफ बची है सो इन द मॉडर्न इरा आजकल हम लोग देख रहे हैं कि इतने जैसे आपने कहा इतनी परेशानियां हैं इतनी इश्यूज़ है इतनी प्रॉब्लम्स हैं है। लेकिन जब हवाई जहाज़ टेक ऑफ करता है तो टेक ऑफ हमारे कंट्रोल में नहीं होती लैंडिंग हमारे कंट्रोल में नहीं होती और टर्बुलेंस भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती अगर हमारे लाइफ की शुरुआत बर्थ है वो टेक ऑफ है और लाइफ की एंडिंग डेथ है वो लैंडिंग है तो जब हवाई जहाज टेक ऑफ किया है तो टर्बुलेंस तो होगी ना मतलब परेशानियां तो होगी ना जिंदगी है ना जनाब जिंदगी है ना जनाब तकलीफ तो होगी ही वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता मतलब तकलीफ तो होने ही वाली है और कई बार लोगों को लगता है कि साधु संत ये जो कपड़े पहने उनको तकलीफ नहीं सबसे बड़ा झूठ है वो सबसे बड़ा झूठ और कोई बड़े आसन पर बैठकर कहे कि मुझे कुछ नहीं हो रहा वो सरासर झूठ बोल रहा है इंसान है साधु भी इंसान है सूटेड बूटेड व्यक्ति भी इंसान है ये गेरुए वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति भी इंसान है तो तकलीफें तो दोनों को होगी टर्बुलेंस तो दोनों में आएगी लेकिन जो एक स्पिरिचुअल इवॉल्ड है जो एक स्पिरिचुअल शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो सीखता है कि उस टर्बुलेंस के बीच से नेविगेट कैसे करना है उसको हैंडल कैसे करना है क्योंकि जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं हैप्पीनेस कभी भी ऑटोमेटिकली नहीं होता है प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली होती है समस्याएं ऑटोमेटिकली होती है हैप्पीनेस कुछ की चॉइस करनी पड़ती है देखिए जो भी कोई हैप्पी इंसान है इसका मतलब ये नहीं कि उसके उसकी ज़िंदगी में सब सही चल रहा है कोई मुस्कुरा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी में सब सही चल रहा है एक बार मैं लंदन में कहीं चल रहा था और एक व्यक्ति ने एक शख्स ने एक टी शर्ट पहन रखा था उस पर लिखा था डो नॉट डिस्टर्ब और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था ऑलरेडी डिस्टर्ब अब और क्या डिस्टर्ब करिएगा अब हमको तो हर रोज कोई एक ट्रिगर होगा कोई एक स्टिमुलस होगा कोई एक कारण होगा जिससे हम डिस्टर्ब रहेंगे तो खुश इंसान वो नहीं है जिसके जीवन में जिसकी जिंदगी में तकलीफ नहीं है वो है जो नेविगेट करना सीख गया है नेविगेट करना सीख गया है वो जो हैप्पीनेस को चूज कर रहा है देखिए प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली होती है हैप्पीनेस को चूज करना पड़ता है एंगर गुस्सा ऑटोमेटिकली आता है शांत रहना चूज करना पड़ता है नफरत ऑटोमेटिकली होती है प्यार चूज करना पड़ता है नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली होती है पॉजिटिविटी चूज करनी पड़ती है और ये चूज करने के लिए तो इंसान बना है इंसान में जो हमारी आत्मा में जो हमको पोटेंशियल दिया गया है वो चूज करने के लिए तो दिया गया है आई लव योर क्लैरिटी क्या क्लैरिटी से आपने आंसर दिया मैं सोच रहा था कि आपने प्रॉब्लम को और बड़ा करके दिखाया सोल्यूशन कहाँ पहुंचेगा पर सोल्यूशन मेरे को आज एक की वर्ड मिला नेविगेशन वरना नौ करोड़ लोग डब्ल्यू एच ओ का डेटा है और से इंडिया में परेशान है सोचता लोग टेकिंग डिवोर्स विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ दर मैरिज इतना जल्दी हो रहा है कोई मुझे बोला कि इतने सारे लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं कि कई बार साइकाइट्रिस्ट भी घर जाते वक्त दूसरे के जाता है। <laughs> तो आपने बताया कि साधु संत भी परेशान होता है पर वो नेविगेट करना जानता है आप लोगों के जीवन में क्या परेशानी है साधु संतों को भी कोविड तो होता ही है <laughs> कोई ध्यान लगाने से जाप करने से पूजा करने से शास्त्र पढ़ने से कोविड तो किसी को नहीं है <laughs> साधु संत जब संस्थाएं चलाते हैं, उनको भी तो फाइनेंशियल इश्यूज तो होती है hmm. जहां इंसान रहते हैं वहां पॉलिटिक्स तो होती है right. जहां भी इंसान रहते हैं वहां ईगोस तो आती है जहां भी इंसान हो रिश्तों की इश्यूज आएगी इमोशनल इश्यूज आएगी पॉलिटिक्स uh, होगा हेल्थ का इशू है इश्यूज आएगी ईगोज आएंगे, तो लोगों को लगता है कि साधु होना मतलब समस्याओं के पूरे परे होना साधु होने का मतलब ये नहीं कि समस्याएं नहीं होंगी साधु सबसे अच्छा नेविगेशन कर सकता नेविगेट है। करने की शक्ति नेविगेट करने की ट्रेनिंग है उनके पास और जितना वो उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना वो माहिर बनेंगे पर इसका ना आफ्टर इफेक्ट क्या होता है अगर कोई नेविगेट नहीं कर पा रहा है और शुरू से उसने बहुत बार रिजेक्शन देखे तो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है आज यूथ में यंग पॉपुलेशन में कॉन्फिडेंस का बड़ा प्रॉब्लम है हो सकता है कि कभी कभार एक कॉन्फिडेंट आदमी से रिलेट भी ना कर पाए मतलब कई बार मैं भी सोचता हूँ कि यार कॉन्फिडेंस की क्या दिक्कत होती है लोग कॉन्फिडेंस मतलब आप अगर पब्लिक पे आके सारा दिन आप कैमरा के सामने बात करते हैं सेमिनार्स में जाते हैं कॉन्फिडेंस की समस्या से रिलेट नहीं कर पाते लेकिन आज मैं देख रहा हूँ लोग इंग्लिश नहीं बोल पाना गंजा होना लोग उन्हें जज करते हैं बात नहीं कर पाना और ये प्रॉब्लम है बिल्कुल आप क्या सलाह देना चाहेंगे कॉन्फिडेंस अगर आ जाता है hmm. अभी पीछे प्रियंका चोपड़ा बोल रही थी कि मैं 18 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड बनी वन थिंग दैट हेल्प मी वॉज कॉन्फिडेंस अगर 18 साल के बच्चे को कॉन्फिडेंस देने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं हम कई बार कहते हैं कि खुद को पहले ढूंढना सीखना चाहिए क्योंकि बाकी सब सारे सवालों के आंसर्स तो गूगल पर ढूंढ लेंगे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों है क्योंकि खुद को ढूंढ नहीं पा रहे और वैलिडेशन के पीछे पड़े जो इंसान खुद को ढूंढ लेता है उसको भले ही सामने वाला वैलिडेट करे नहीं करे उसको फर्क नहीं पड़ता ये खुद को ढूंढ लिया है खुद में क्या स्पेशलिटी है खुद में क्या विशेषता है ये ढूंढ लिया है वो जो ढूंढ लेता है उससे जो कनेक्ट हो जाता है उसमें तो कॉन्फिडेंस आती है लेकिन जब वैलिडेशन के पीछे पड़ते जैसे सोशल मीडिया का पूरा जो एज है

जब आप सेल्फ एक्सप्रेशन करते हैं तो दूसरे भले आपको स्वीकार करें नहीं करे मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ बहुत अच्छे से स्वीकार कर ली मुझे आज दुनिया में कई लोग हैं जो स्वीकार नहीं करते मेरे तरीकों को जिस तरीके से मैं बोलता हूं जिस तरह के खुले खुले आम में कई बार सच बता देता हूं ये कई लोगों को पल्ले नहीं पड़ता कहीं मेरे ही दोस्तों को कहीं मेरे ही संस्था के लोगों को ये पल्ला नहीं पल्ले नहीं पड़ता लेकिन मैंने तय कर लिया कि ये मेरा तरीका है अगर किसी को पसंद आए किसी को नहीं पसंद आए ये मेरी मुश्किल नहीं मेरी तकलीफ नहीं है इट्स नन ऑफ माय प्रॉब्लम्स जब मैंने अपने आप को खोज लिया है ना तो मैं वैलिडेशन पर डिपेंड ही नहीं करता वो अगर मुझे सपोर्ट कर रहा है ठीक है नहीं कर रहे ठीक है मैं तो सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए अपना काम कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने आप को नहीं ढूंढे इसका मीनिंग क्या है अपने आप को ढूंढने का अपने आप को ढूंढने का मतलब है कि पहले ये खोजना कि मुझ में क्या विशेषता है हम ना इतना अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं तुलना कर रहे हैं मैं अगर इंस्टाग्राम पे देखता हूँ लिंकडिन पे देखता हूँ कहीं पर देखता हूँ कि ये व्यक्ति इसकी प्रोग्रेस ऐसी हो गई और मैं वहीं रह गया अपने आप को ढूंढ लिया तो अपनी स्ट्रेंथ पे कॉन्फिडेंस आ जाए जी बिल्कुल बिल्कुल और जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा था एजुकेशन के बारे में कि अगर आप एक खरगोश को एक मछली को एक हाथी को एक बंदर को सबको एक लाइन में खड़े कर दीजिएगा और उनको एक ही एग्जाम दीजिए कि आप सबको पेड़ पर चढ़ना है तो मछली तो आत्महत्या कर लेगी क्योंकि वो तो पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाएगी बंदर तो रैंक वन आ जाएगा खरगोश कोशिश करेगा लेकिन वो कहाँ वो तो ज़मीन पर भाग पाता है तो मछली खरगोश हाथी बंदर की तुलना कहाँ है जी सब में अपने अपनी एक क्षमता है सब में अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ है सबने अपनी विशेषता सबको एक, -एक, सब एक तोहफा दिया है आई लव योर क्लैरिटी आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कॉन्फिडेंस के लिए पहले खुद की स्ट्रेंथ को ढूंढो बिल्कुल जी पर जिसने खुद को कनेक्ट कर लिया अपनी स्ट्रेंथ ढूंढ ली है उसको वैलिडेशन नहीं चाहिए उसको अप्रूवल नहीं चाहिए और वैलिडेशन के बदले अप्रिशिएशन अच्छा है वैलिडेशन की एक्सपेक्टेशन से इंसान डिसअपॉइंट होता है लेकिन अप्रिशिएशन कोई कर दे तो अपने इमोशनल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट है उससे कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा वेरी गुड लेकिन वैलिडेशन की एक्सपेक्टेशन करना और वैसे भी अपनी स्ट्रेंथ पे जब मैं काम करूंगा तो मेरे को बहुत जल्दी राइट अप्रिसिएशन मिलना भी शुरू हो जाएगा क्योंकि तो मेरी स्ट्रेंथ है और मैं पेड़ पे अगर मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ाना है बंदर को चढ़ाना है सोशल प्रेशर में फिर भी मैरिज में देख रहा हूँ एज एन इंस्टीट्यूशन फेल होता जा रहा है नहीं, नहीं। और उसका जो इम्पैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज का था इंडिया में आ गया है पिछले पांच साल में जितने डिवोर्सेज पिछले पचास साल में हुए हैं उतने ही डिवोर्सेज पिछले पांच साल में हुए हैं हमारे देश में इमेजिन ये डिवोर्स इतने तेज बढ़ रहे हैं और उसका एक्सेप्टेंस आ गया है आप क्या कहते हैं डिवोर्स का एक्सेप्टेंस आना चाहिए या आदमी को एडजस्ट करते रहना चाहिए हमें लगता है कि सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है किसी इंसान से ना परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी गलती है एक लड़की एक पंडित जी के पास गई तो पंडित जी से कहती है कि पंडित जी मैं शादी करना चाहती हूँ ऐसे लड़के को क्या कहते हैं जो हैंडसम हो जो पैसे वाला हो जो बहुत टैलेंटेड हो जो घर का काम करे बच्चों को संभाले शॉपिंग के लिए बहुत पैसा दे ऐसे लड़के को क्या कहते हैं पंडित जी ने कहा मन का वहम कहते हैं बेटा <laughs> 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 तो कोई भी इंसान माता पिता जो है हमारे वो पूजनीय है वो आराधनीय है परफेक्ट नहीं है हमारे जो गुरुवार है वो पूजनीय है आराधनीय है परफेक्ट नहीं है एक ईश्वर को छोड़कर परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता और इसीलिए किसी भी इंसान में परफेक्शन की खोज करना ये सबसे बड़ी गलती है तो अगर शादीशुदा रिलेशनशिप्स में भी अगर हम थोड़ा परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन हटा दे और रियलिज्म पे आ जाए और क्या होता है पैकेज डील होता है जी सब में अच्छा है सब में बुरा है कोई भी इंसान पूरा अच्छा नहीं होता कोई भी इंसान पूरा बुरा नहीं होता तो अगर हम एक साथ रिश्ता बनाए हैं किसी से तब उस अच्छे के साथ एक बुरा भी आने वाला है टॉलरेंस कम हो रहा है आ, मुझे इस पर भी आपसे बात करने का बहुत मन था आ, इतना रोड रेज बढ़ रहा है इतने झगड़े हो रहे हैं मैंने अब ये देखा कि इसी साल के अंदर पिछले साल में कोविड में गाड़ियाँ कम चली बावजूद उसके हाफ मिलियन केसेस दर्ज हुए हैं झगड़ों के टेंशन के हाँ हालांकि आपने आंसर दिया मैं उसी आंसर से सेटिसफाइड हूँ नेविगेशन करो अच्छा रेफरेंस पॉइंट देखो एक्सपेक्टेशन और परफेक्शन की चॉइस मत करो टॉलरेंस में आप यही आंसर देना चाहेंगे या कुछ आप अलग तरीके से सोचते हैं इसके बारे में कैसे सहनशीलता कैसे बढ़ाएं क्योंकि ये मॉनेस्ट्री में एक आपके जैसे मंग का एक स्ट्रॉन्ग वर्च्यू माना जाता है जी, जी, आप इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं और इतनी तपस्या करते हैं और ह्यूलेट पैकेट में आपका जॉब लगा था जी राइट right? जी आप फर्स्ट क्लास एक बढ़िया कॉलेज से इंजीनियरिंग करके आए हैं सब संसार छोड़ा है आपने अकेले रहते हैं इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं अभी मैंने कुछ सालों से आपको कैमरा पे देख रहा हूँ जी पर उसके पीछे का जीवन तो लोगों को नहीं मालूम है आपका कितने साल आपने कितना तपस्या किया है ये टॉलरेंस को कैसे बिल्ड किया जाए मेरे हिसाब से टॉलरेंस बढ़ाने के लिए किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए किसी भी वर्चू को कल्टिवेट करने के लिए माइक्रो इंस्टॉलमेंट से छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरू होता है छोटी चीज़ों से ही शुरू होता है अगर एक दिन मेरी ए खराब हो गई तो मैं बस ये समझ लूँ कि ये मुझे एक पेशेंस और टॉलरेंस की वर्चू सिखा रही है और रिएक्ट नहीं करूँ तो मेरे सिस्टम में मैंने वो एक बीज बोया है जब मैं ट्रैफिक में फंसा, आज मैं जब आ रहा था यहाँ पर इतनी लंबी ड्राइव्स में जनरली करता नहीं मैं रोड ट्रैवल पसंद नहीं करता बिल्कुल मतलब दो घंटे की ड्राइव मेरे लिए बहुत ज़्यादा होती है जनरली सो लंबी ड्राइव्स हार्डली हम कोई इवेंट्स लेते हैं कोई जब जहाँ लंबी ड्राइव्स हो वो जनरली मैं प्रेफ़र नहीं करता तो आज ही मैं बता रहा था गाड़ी में आते समय कि जैसे हमने पहले बात की कि हैप्पीनेस एक चॉइस है ट्रैफिक था दो घंटा था यहाँ आना और फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं हम कि दो घंटे ट्रैफिक में बस बैठे रहना लेकिन मैंने एक बात सीखी कि ये अंदर का स्विच जो है ना एक ये स्विच बदलने से एक नज़र बदलने से ना नज़रिया बदल जाता है एक दृष्टि कोण बदलने से दृष्टि बदल जाती है तो मैंने बस यही सोचा कि मेरी लाइफ ऐसी है कि बस हमेशा हवाई जहाज में सब कुछ फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास ट्रैवल वाली लाइफ है सारे यहाँ पे मीट एंड ग्रीट वाले लोग खड़े रहते हैं हर जगह एक होटल नहीं होगा इस देश में और विदेश में जा मैं रहा नहीं हूँ हर जगह गया हूँ हर जगह रहा हूँ तो जब ऐसे अवसर आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि जैसे आपने बताया पहले मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी लेकिन पिछले कुछ लाइव सालों में लाइफ बहुत बदल गई है तो उसमें जब ऐसे कुछ अवसर आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये मुझे पेशेंस सिखा रहा है ये मुझे टॉलरेंस सिखा रहा है तो जब चलो कोई कॉन्शियसली ये नहीं भी करे जब भी कोई ऐसी अनकॉन्शियसली कोई सिचुएशन आ जाए तो ये स्विच बदल के क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये अवसर है मेरे लिए टॉलरेंस कल्टिवेट करने का क्या अवसर है मेरे लिए पेशेंस कल्टिवेट करने का तो इससे छोटी छोटी चीज़ों से भी धीरे धीरे हम उस क्वालिटी की ओर बढ़ सकते हैं आजकल इतने मंक्स वापस मैंने देखा है बढ़ने शुरू हुए वापस मॉनिस्ट्रीज भर रही हैं वापस लोग चूज़ कर रहे हैं आपके जैसा जीवन बहुत ही कम लोगों को पता है कि मैं फुल्स टाइम शेयर कर रहा हूँ कैमरा पर कि हमारे गुरु सेम हैं और आ, मैंने भी वहीं से शिक्षा लिया और आ, पर मैं ये देख रहा हूँ कि इतने सारे आई और आई के पासड आउट लोग अब वापस मॉनिस्ट्री की तरफ मूव कर रहे हैं आपका वीडियो भी लोग हो सकता है देखते हुए सोच भी रहे हूँ कि क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ गोपाल जी जैसा मैं गौर गोपाल प्रभु जैसा जीवन मुझे कैसा क्या ट्राई करना चाहिए हो सकता है कई लोग आज सोच रहे हों पर आई आई करने के बाद आ रहे हैं पढ़े लिखे लोग हैं अच्छा मतलब ऑन अ लाइटर नोट ये बेचारा वो आई करने के बाद जॉब भी नहीं किया किसी को और को सीट मिल सकती थी वो उसने वो सीट भी ले लिया <laughs> तो आ, ये जो वापस मूवमेंट हुआ है वैदिक लाइफस्टाइल की तरफ वापस जो मूवमेंट हुआ है ये आपको क्या लगता है आने वाले समय में बढ़ेगा ये ऐसा रहने वाला है या कलयुग बढ़ रहा है तो ये फिर घटेगा हाउ डू यू सी द ट्रेंड्स हैपनिंग इतना ट्रैवल करते हैं इतना फ्लाइट्स लेते हैं आप ट्रेंड्स को देख रहे हैं लोगों को पढ़ रहे हैं बिहेवियर्स को पढ़ रहे हैं क्या देखते हैं कि करंट जनरेशन और आगे की जनरेशन और बढ़ेगा कि घटेगा ये आ, मुझे ऐसा लगता है कि लोग आज मंक के लाइफ लाइफ से ज्यादा मंक के माइंडसेट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अरे बिल्कुल ठीक क्योंकि मंक की लाइफ तो सबके लिए पॉसिबल है ही नहीं लेकिन मंक का माइंड वो सबके लिए पॉसिबल है आंसर हो गया मंक के लिए कोई ये कपड़े पहनने की तो जरूरत है नहीं मंक के लिए कोई छोड़ छाड़ कर आश्रम में जाकर रहने की जरूरत तो है नहीं बहुत सुंदर मंक तो यहां होता है जी इससे नहीं मंक बनता और अगर किसी को ऐसे मंक बनना हो तो सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन में ना बने दाल नहीं पकी नौकरी नहीं मिली छोकरी नहीं मिली इसलिए नहीं बने दूसरा जैसे मार्क ट्वेन ने कहा था कि देर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ दो सबसे इंपॉर्टेंट दिन है आपकी लाइफ में पहला डे यू आर बॉर्न जिस दिन आपका जन्म हुआ था और दूसरा द डे वेन यू फाइंड आउट वाई क्यों जन्म हुआ था तो जब बहुत ही हाईली एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लोग ऐसी लाइफ स्टाइल की ओर जाते हैं तो कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन की वजह से जाते हैं और उनकी सस्टेनेबिलिटी बहुत कम है लेकिन कई लोग जाते हैं कि मेरा बर्थ डेट तो मुझे मालूम है लेकिन मैंने क्यों बर्थ लिया है पर्पज़ क्या है तो ये जो वर्ड पर्पज है ये आज बज वर्ड है तो लोग सब सारा यंग जनरेशन है मिलेनियल जनरेशन पर्पज़ इस वर्ड को बहुत यूज़ करता है अब हैश टैग पर्पज़ कहीं पर देख लीजिए कहीं पर भी मिलियंस में उसको नंबर्स आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको खोज रहे हैं तो मैं कई बार कहता हूँ कि कुछ लोग होंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो गए तो शायद सब छोड़ छाड़ के ऐसी लाइफ को लाइफ स्वीकार कर ले इसलिए कि वो उस पर्पज़ को ढूंढ पाए लेकिन मंख लाइफ से ज़्यादा ना माइंडसेट बहुत अरे अरे बिल्कुल सबसे बड़ा मंग तो जो गीता का विजडम सुनने वाला सबसे बड़ा मंग तो वहां था शादी शुदा बच्चों के साथ और एक हस्तिनापुर में एक राज्य करने वाला एक एरो छोड़ने वाला अस्त्र चलाने वाला माइंडसेट था और कई बार होते आपने हैं एक्चुअली आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि बहुत लोगों को सब कुछ अब छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है वह इधर से आपने बताया कि वो एक मंग की लाइफ से ज्यादा उसके माइंड का एक्सेस चाहते हैं और मैं सोच रहा था कि शायद कॉन्वर्जेशन कितनी डीप जाएगी पर ये अपने आप में बहुत बड़ी डेप्थ है इस बात को समझ पाना क्या आप, आप घर बैठ करके एक सन्यासी का जीवन अपने कर्मों को करते हुए कर सकते हैं मेरा अगला प्रश्न इसी के अराउंड था कर्म करते वक्त माइंडसेट होना क्या चाहिए बिजनेस कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं आजकल जॉब में भी नया कॉन्सेप्ट आया इंतरा मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्प्रेड किया है हमारे साथ में आज सात आठ सौ लोग मेरे हेड ऑफिस में काम करते हैं और सारी लीडरशिप मैंने वही हायर करी है जो फेल्ड ऑनट्रप्रोन्योर्स थे या अपना स्टार्टअप बिल्ड कर चुके थे और उसके बाद स्टार्टअप में अच्छा नहीं किया उन्होंने आज हमारे साथ काम कर रहे हैं इंतराप्रोन्योरस हैं मैं उनके लिए भी एक और दूसरे और वो भी हैं नौकरी दो बार पंच एक बार लंच लाइफ है टंच <laughs> रघुपति राघव राजा राम जितनी तनख्वा उतना काम आई वो टॉक अबाउट डेम ऑल्सो कर्म करते वक्त माइंडसेट क्या होना चाहिए जी 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 आप गीता पढ़ते हैं पढ़ाते हैं ऐसा मैंने भी भगवत गीता पे बहुत बात करता हूँ और बहुत साल पढ़ा है मैंने भगवत गीता आपके बहुत सारी वीडियोस देखे हैं हमने जहाँ आप गीता के बारे में भी बोलते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ विवेक जी कि जो काम आप कर रहे हैं जो अंट्रप्रनर्स uh, के पास पहुंच रहे हैं छोटे छोटे लोगों के पास पहुंच रहे हैं जिनको uh, ये जो एजुकेशन है बिजनेस को कैसे बढ़ाना है अपने आप को अपने करियर में कैसे बढ़ाना है इसके लिए जो एक्सेस नहीं है ये जो आप uh, इन तक पहुंचा रहे हैं ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और रियली हार्ट फिल्ड कंग्रेचुलेशन एंड कूडॉस टू द का ग्रेट वर्क दैट यू आर डूइंग और रही बात uh, कम करते समय हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कई बार मैं कहता हूं कि समंदर में फना होना समंदर में फना होना तो किस्मत की निशानी है दुख तो उन पर होता है जो किनारों पे मर जाते हैं ओ। एक बार समंदर पे निकल के फना हो गए लगता वो आपका लेकिन जो निकले ही नहीं मंजिल मिलेगी भटककर ही सही मंजिल मिलेगी भटककर ही सही गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं तो कर्म करने के बाद जब हम कह रहे हैं तो सबसे पहले ही जैसे हम कई बार कहते हैं वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू एंड देन लीव इट एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हिम तो काम करते समय ईश्वरवाद को कभी नहीं लाना चाहिए क्योंकि जैसे ईश्वरवाद लाएंगे तो हम पैरासाइड बन रहे हैं, उन पे डिपेंड कर रहे हैं अपनी हंड्रेड परसेंट नहीं दे रहे हैं अपनी हंड्रेड परसेंट अगर हंड्रेड परसेंट अपनी अगर पैरासाइट बनाना होता तो कृष्ण तो अर्जुन को युद्ध ऐसे ही जिता देते ठीक बात है वो तो हंड्रेड परसेंट उनको अपना पूरा देना पड़ा पहले हर अस्त्र हर शस्त्र टू हंड्रेड परसेंट फोकस एक परसेंट भी कम नहीं एक अस्त्र के मंत्र को जब उच्चारण करते समय पूरा 200 फोकस के साथ अर्जुन मंत्र को उच्चारण कर रहे थे ये नहीं सोच रहे थे कि पीछे कृष्ण बैठे आगे कृष्ण बैठे बिल्कुल नहीं काम कर कर्म की जब हम बात कर रहे हैं कर्म की माइंडसेट की बात तो कर्म के माइंडसेट में काम करते समय ईश्वर को भगवान को ये वर्ड डिक्शनरी से हटा देना चाहिए क्योंकि अगर वो वर्ड हम लाते रहे तो पैरासाइट हो गए हम सोच रहे कि ये करेंगे तो मैं क्या करूंगा हम क्या करेंगे तो पूरा दो प्रतिशत हम जब देते हैं उसके बाद की जो डिटेचमेंट है कि अब तो मैंने कर लिया है इसके बाद यह सोचना कि क्योंकि मैंने सब किया है तो नतीजा तो आने ही वाला है यह गलत है टू थिंक दैट बिकॉज आई पुट माई टू हंड्रेड परसेंट आई हैव टू गेट इट ये जो हैव टू है ना यह कर्मियों के माइंडसेट से गलत हो जाता है ओके okay. जब काम कर रहे हैं तो दो सौ प्रतिशत दे रहे हैं उसके बाद पचासों ऐसे फैक्टर्स है जो मेरे हाथ में नहीं है तब उसमें तो डिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है तो इसलिए कर्मयोग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है और इसीलिए इसको इंटरडिपेंडेंस कहते हैं मेरी इंडिपेंडेंस और उन पर की डिपेंडेंस जो होती है वो इंटरडिपेंडेंट जब हो जाती है उसको कर्मयोग का माइंडसेट कहा जाता है थर्ड एस्पेक्ट है माइंडसेट की कि मैं अपने आप को करता नहीं मानूं हम ना हमको लगता है कि आ, मुझे किसी की जरूरत नहीं इसको अहम कहते हैं और मेरी जरूरत सबको है इसको वहम कहते हैं आपका मन भटका कभी आपको लगा कि यार बहुत हो गया आप थोड़ा मैं भी शादी कर लूँ या आपको लगता है कि आप आगे चल के शादी करेंगे आप कई तरह की किताबें पढ़ते हैं लोगों को सुनते हैं समझते हैं ऐसे सब लोग भी करते हैं लेकिन कन्फ्यूज हैं आपको क्या लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में अगर एक मैसेज देना चाहें तो लोग कैसे प्रैक्टिस करें उसको उसमें अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहेंगे अपने आप को कैसे बिल्ड किया है आपने आपके जीवन का दिनचर्या जिससे हम सब भी कुछ सीख सकें उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे गौर गोपाल प्रभु आई वॉन्ट टू शिफ्ट टू कॉन्टेंट क्रिएशन आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर आपका कंटेंट लोग बहुत कंज्यूम करते हैं पसंद करते हैं बहुत और आपने ना आज बड़ी डिटेल में डेप्थ को निकाल के पकड़ाया है पर जमाना बदल रहा है मैं एम एक्स प्लेयर के सीईओ के साथ बैठा था बात कर रहा था बोला ट्वेल्थ सेकेंड फॉर्मैट है पहले दो तीन सेकेंड में हुक क्रिएट कर दो कुछ ऐसा एक्टिंग कर दो कैमरा पे आदमी रुके बारह और पंद्रह सेकंड पंद्रह साल से 25 साल के लोग इस समय दुनिया का सबसे ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं 12 सेकंड का आपके वीडियोस लंबे होते हैं जिसमें आप डेप्थ देना चाहते हैं पर बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया ये ये वापस टिकटॉक रहा नहीं रहा इंडिया में लेकिन टिकटॉक का टका टक -तक भी आ गया और बहुत कुछ आ गया सारी ऐप्स के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है मुझे लेकिन अब ये शिफ्ट में इसका मतलब क्या है आज लोगों के पास में इंटेलिजेंस ऐसा बचा ही नहीं कि वो अपने आप को होल्ड कर सकें और उस डेप्थ के अंदर एंटर कर सकें क्या कहना चाहेंगे इस तो विषय में मुझे लगता है इंटेलिजेंस तो है पेशेंस नहीं है मतलब समझने की क्षमता है लेकिन कई बार जैसे हमने कहा जनरेशनल जो पेशेंस है क्विक फिक्स है सब कुछ तो शायद उसकी वजह से पेशेंस uh, नहीं होगा तो कंटेंट क्रिएशन में मुझे लगता है कि दो चीज़ें होती हैं एक होती है एक होती है टेक्निक और वो टेक्निक तो अडेप्टेबल होती है समय समय के साथ बदलनी पड़ती है और दूसरी होती है आपकी इंडिविजुअलिटी तो मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स को सबसे ज़्यादा जरूरी है इम्पोर्टेंट है अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना कई बार लोग 12 सेकंड्स की वीडियोस में या 30 सेकंड्स की वीडियोस में या लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो उसको अडेप्ट करते करते अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं और जैसे ही अपनी इंडिविजुअलिटी खो देती है तो ऑथेंटिसिटी चली जाती है और जब ऑथेंटिक कंटेंट नहीं होता ना तो सामने वाला पकड़ लेता है जब ऑथेंटिक कंटेंट सामने देखता है इंसान वो 12 सेकंड से उसको लगता है कि मुझे एक घंटा 20 मिनट देखना है लेकिन जब ऑथेंटिसिटी नहीं होती तो एक घंटा 20 मिनट भी चला ले तो उसको 12 सेकंड की भी बात पर लेनी पड़ती तो मुझे लगता है कि टेक्निक जरूरी है एडेप्टन जरूरी है समय के साथ तो करना ही पड़ेगा हम सबको ऑथेंटिसिटी से आप अटेंशन स्पैन बढ़ा पाएंगे ऑथेंटिसिटी एक एनर्जी है और मैं एनर्जी में बहुत विश्वास रखता हूँ कैमरा के थ्रू भी एनर्जी जाती है अभी परसों ही हमने कुछ रील्स शूट किए जब हम लोग जनरली शूट करके कंटेंट डालते नहीं हैं क्योंकि शॉट किए हुए शूट किए हुए कंटेंट में वो एनर्जी लाना आसान नहीं होता जो एक इमोशनल हुक होता है इमोशनल पॉइंट रिश्ते की बोलनी होती है वो मुश्किल होता है बहुत बोलना जबकि एक ऑडियंस सामने बैठा हो तो एक बिल्कुल ऑथेंटिक कनेक्शन से बात हो रही है वो तो मैं उसमें बहुत विश्वास रखता हूँ तो लेकिन कभी कभी जब टॉक्स के जो एडिटेड जो वीडियोज़ ख़त्म हो जाते हैं तो कभी हम शूट कर लेते हैं तो परसों ही हमने कुछ एक कितनी तीस चालीस पचास जितनी भी रील्स शूट की होगी इन्होंने तो जब मैंने एक दो रील्स देखी पहली एक दो रील्स देखी तो मैंने उनको कहा इसको बंद कर दो डालना क्योंकि इसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ इसमें मुझे ऑथेंटिसिटी चाहिए क्योंकि जब मेरी ऑथेंटिसिटी जाए वो एनर्जी है वो कैमरा के थ्रू जाती है वो एक चिप पे भी जाती है वो सामने जो देख रहा है उसको एनर्जी फील हो रही है तो व्यक्ति की जो एनर्जी है ना लोग हमारे मुझे कई बार लगता है क्योंकि कंटेंट तो इतना पड़ा है बार आज ऑनलाइन कंटेंट की कोई कमी नहीं है क्या आप ये कहना चाहते हैं ऑथेंटिसिटी भी क्योंकि इंटेंट अच्छा तो सही भी हो और अगर मैं अपनी ऑथेंटिसिटी और इंडिविजुअलिटी खो दू इंटेंट तो सही है लेकिन अगर ऑथेंटिक नहीं रहा तो एनर्जी तुरंत लेवल यहाँ से यहां ड्रॉप हो जाती है ठीक बात है you're right, you're right. मैं आज आपको वीडियो शूट होने से पहले अपनी कम्युनिटी ऐप भी दिखा रहा था हमारी जो बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप है इसमें हमने भी ऐसा कोशिश किया कि हम कंटेंट क्रिएशन को आसान करें और मैं आपसे कभी और आपके साथ मौका लगा तो एक सेशन करूँगा कि कॉन्टेंट क्रिएशन करते वक्त आप कैसे तैयारी करते हैं लेकिन हमने देखा कि हमने टूल्स जो टेक्निक्स हैं शॉर्ट वीडियो ऐप का हमने टेक्निक भी दिया लोग आज बड़ा बिजनेस ऐप डाउनलोड कर रहे हैं लाखों की तादाद में क्योंकि इस समय हमने फेसबुक और लिंकड जैसा एक कम्यूनिटी ला दिया जहाँ पर लोग आकर के कॉन्टेंट वहाँ डाल पा रहे हैं तो मैंने वहाँ पर एक ऐसा टूल बनाया है जिससे लोग अपने इन्फोग्राफिक्स और अपने वीडियोस को आसानी में क्रिएट कर सकें भाई जब ये आप आज एक इम्पॉर्टेंट नैरेटिव बिल्ड कर ही रहे हैं कि ये भी एक नैरेटिव है कि आपने एच की एक अच्छी जॉब को छोड़ा आपने और आप आए यहाँ पे शुरुआती दिन आपके बहुत तपस्या के रहे होंगे आप तो आप सोशल मीडिया पर पॉपुलर हैं तो आपने ठीक कहा कि आज आज नीम के पेड़ पर पे भी आम लगते हैं आपने कुछ ऐसा कहावत बहुत सुंदर सुना है तो ये खैर नीम का पेड़ तो नहीं है आपका तो खैर आम का बहुत सुंदर पेड़ है तो आपकी शुरुआत के दिन जो तपस्या के रहे आपका जो जीवन है एक तो आपका है पब्लिक लाइफ एक आपका पर्सनल लाइफ आप अगर इफ यू डोंट माइंड आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताना चाहेंगे कैसा आपका समय रहता है क्या करते हैं सीखते कैसे हैं पढ़ते कैसे हैं अपने आप को कैसे बिल्ड किया है आपने आपके जीवन का दिनचर्या जिससे हम सब भी कुछ सीख सकें उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे मेरी दिनचर्या में मेरी लाइफ में रोज जो होता है टाइम आई बिटवीन थ्री एंड फाइव ओ क्लॉक थ्री एंड फाइव डिपेंडिंग ऑन वॉट टाइम आई गो टू बेड कई बार तो बहुत देरी से सोते हैं तो फिर थोड़ी देर हो जाती है पाँच बजे के करीब हो जाता है यूजली तीन और पाँच के बीच में जग जाते हैं और आ, मैंने पिछले 26 सालों में मेरी स्पिरिचुअल साधना जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है उसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल दिया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक एक बल्ब होता है वो बल्ब अपने आप में तो बस एक ग्लास है एक टंक्सटन फिलामेंट है लेकिन जब उसका एक कनेक्शन जुड़ जाता है किसी पावर सोर्स से तो वो ख़ुद में भी वो ग्लो करने लगता है फिर उससे दूसरों को भी ग्लो फैलाने लगता है तो मुझे एक बहुत विश्वास है अब कि इंसान की जो कैपेसिटी है किसी को खुद को हेल्प करने की और दूसरों को हेल्प करने की बहुत सीमित है लेकिन जब हम अपने आप को एक ऐसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं जिससे हमको वो एनर्जी वो इंस्पिरेशन वो ज्ञान वो शक्ति वो प्रेरणा मिले तो वो जो शक्ति है मेरे हिसाब से जैसे कहते हैं ना द द टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग इट जब कोई उसको आजमाए तब वो समझ पाए कि इसमें कितनी शक्ति 26 साल हो गए हैं छब्बीस साल में बहुत कम ऐसे अवसर होंगे जब मेरा जो डेढ़ घंटे का जो मेरा स्पिरिचुअल साधना का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का जो समय है वो सात बजे के बाद तो ऐसे बहुत फिरले ऐसे प्रसंग होंगे छब्बीस साल में सुबह सात बजे के बाद सुबह सात बजे के बाद उससे पहले ही सब कुछ हो गया होता है मेरा तो मैं जब फ्लाइट्स भी लेता था पहले तो आप ये कह रहे हैं कि

और ये जरूरी ये भी जरूरी नहीं कि सवेरे ही हों सवेरे मैं करता हूँ एक डेडिकेटेड टाइम में लेकिन मेरा ये कहना ज़रूरी है कि एक ये जो कनेक्शन है जिससे आपको एक अंदर की शक्ति मिले जो आप कर रहे हैं उसको एक डायरेक्शन मिले वो एक मेरे दिन का बहुत अहम हिस्सा है जो आप सुबह तो सात बजे से पहले करते हैं कर लेता हूँ और छब्बीस साल से कर रहे हैं कोशिश तो कर रहा हूँ जी <laughs> <laughs> दूसरी चीज दलाई लामा जी की एक मैंने बहुत अच्छी बात सुनी थी जो बहुत मुझे भाग गई थी तभी उन्होंने कहा था कि वेन यू आर स्पीकिंग यू आर ओनली रिपीटिंग वॉट यू नो जब आप बोलते हैं तो जो आपको आता है वही आप दोहरा रहे हैं बट वेन यू आर लिसनिंग यू आर ऑलवेज लर्निंग समथिंग न्यू तो मुझे दूसरों को सुनना बहुत पसंद है हियरिंग अदर्स इज माई ग्रेटेस्ट जॉय तो मैं जब आश्रम में रहता हूँ तो और ट्रैवल करता हूँ तो भी अगर मैं उस समय पे बिजी नहीं हूँ तो हमारे जो आश्रम में जो बोलते हैं उसको मैं लॉग इन करके सुन लेता हूँ जहाँ भी जैसे कल मैं सुनूंगा अगर उस टाइम पे मैं फ्री हूँ तब मैं सुनूंगा तो क्या ये कह सकते हैं कि यूर अ ग्रेट स्पीकर नाउ इज इट ऑल्सो बिकॉज दैट यू बीन अ ग्रेट लिसनर आई डोंट नो इफ आई एम अ ग्रेट स्पीकर बट आई एम डेफिनेटली ट्राइंग टू बी अ गुड लिसनर आई एम डेफिनेटली ट्राइंग टू बी अ गुड लिसनर एंड आई एम अ परपेचुअल स्टूडेंट देर इज नो एंड टू लर्निंग और मैं केवल आश्रम के लोगों को नहीं सुनता आश्रम के तो मैं सुनता ही हूँ जो मेरे स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स हैं ऐसे अनेकों सब्जेक्ट्स हैं मेरे इंटरेस्ट के जिनकी हजारों किताबें हैं जो मैं पढ़ता हूँ हजारों ऐसे स्पीकर्स ऑफ इंटरेस्ट हैं मेरे जिनको मैं सुनता हूँ कई विदेशी हैं कई देशी है लेकिन ज्ञान जो है ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती ज्ञान किसी से आए किससे आए इसकी कोई सीमा नहीं होती कई बार लोगों को लगता है कि आपने ये कपड़े पहन लिए तो आपको दूसरी किताब नहीं पढ़नी चाहिए ऐसा कैसे हो सकता है ज्ञान की कोई लिमिट थोड़ी ना होती है ज्ञान तो कहीं से भी आ सकता है सो so, दूसरी चीज है मुझे पढ़ना और सुनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे नरिश करता है और ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो कॉन्सिक्वेंस है वो आप कितना देर पढ़ते हैं सुनते हैं डिपेंड करता है डे टू डे कभी दो घंटे कभी, कभी तीन घंटे कभी समय मिल गया तो चार घंटे लेकिन चार तीन चार घंटे रेयर होते हैं तो मेरे ख्याल है सबको अपनी नरिशमेंट के लिए एक से दो घंटा या एटलीस्ट एक घंटा रोज निकालना चाहिए मैं तो कह रहा हूँ कम से कम थर्टी मिनट्स तो कर ही लेजिए थर्टी मिनट्स मुश्किल नहीं है आपसे मतलब यहाँ पे आज उम्मीद करता हूँ कि लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फिर भी और दो मिनट स्परिचुअलिटी पे लगाना चाहता हूँ आपके साथ में मैं क्योंकि आप एक आप एक स्पिरिचुअल मंक हैं आपने इतना साल साधना किया आपने सुबह आप डेढ़ घंटा आप छब्बीस साल से कर रहे हैं बहुत नॉइज़ है आज स्पिरिचुअलिटी के अराउंड आप कई तरह की किताबें पढ़ते हैं लोगों को सुनते हैं समझते हैं ऐसे सब लोग भी करते हैं लेकिन कन्फ्यूज हैं इतना नॉइज़ है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं पर समझ नहीं आ रहा क्या करें आपको क्या लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में अगर एक मैसेज देना चाहें तो लोग कैसे प्रैक्टिस करें उसको मैं कहना चाहूँगा कि प्रामाणिक रहे सिंसियर रहे जो सिंसियर है सिंसियरिटी में ना अपना जो पाथ है आपके पास आ जाएगा जो नॉइज है जितनी भी नॉइज चल रही हो जो व्यक्ति सिंसियर सीकर है उसके पास वो पाथ आ जाता है तो मेरे हिसाब से वो जो सिंसियर सीकिंग है उसको नहीं रोके मैं ये नहीं कहूँगा कि ये करें या वो करें लेकिन सिंसियरली सीख करते रहे और वो नॉइज धीरे धीरे घटते घटते आपको वॉइस सुनाई देगी और आपका पाथ धीरे धीरे इवॉल्व होगा जैसे माइकल एंजलो को, को एक बार पूछा था किसी ने कि आप इतनी सुंदर मूर्तियाँ कैसे बनाते हैं मार्बल की तो माइकल एंजलो ने कहा कि मैं मूर्तियाँ बनाता ही नहीं तो सामने वाला हैरान हो गया तो माइकल एंजलो ने कहा कि मार्बल में मूर्ति पहले से होती है उस पर जो एक्सेस मार्बल है मैं थोड़ा थोड़ा निकालता हूँ तो हमारा भी जो पाथ है वो अंदर है हर एक का पाथ डिसाइड होकर आया है उस पर जो धूल लगी है जो नॉइज जो आप कह रहे हैं सिंसियर सीकिंग करेंगे तो थोड़ी थोड़ी वो एक्सेस मार्बल चिप ऑफ हो जाएगा तो आपकी मूर्ति बन जाएगी तो सिंसियर सीकिंग करेंगे तो हम राइट right पाथ पे और अपने आप उसका डर्ट भी हटेगा खत्म होगा मैं आपके छब्बीस साल से बहुत आकर्षित हो गया हूँ वो छब्बीस साल जो आपने लगाया है <laughs> वो छब्बीस साल मतलब कंसिस्टेंसी दिस इज रियल एक्स्ट्रॉर्डनरी इतना कंसिस्टेंसी आपने दिया है अगर आप कोई तीन लर्निंग दो लर्निंग कुछ शेयर करना चाहते हैं कि छब्बीस साल का निचोड़ अगर देना हो आपको वट कम्स टू योर याइंड क्या मैं आज छब्बीस साल का कुछ निचोड़ देना चाहता हूँ जो आपने तपस्या किया आज लिसनर्स को मतलब कुछ नेक्टर मिले उसमें से छब्बीस साल में से मेरी तीन शिक्षाएं पहली शिक्षा पहला मैसेज होगा आश्रम में रहें इतने लोगों के साथ रहें मैं हमेशा कहता हूं ये सबकी लाइफ के लिए बहुत रेलिवेंट होगा झुकने से अगर आपके रिश्ते सुधरते हैं तो झुक जाए लेकिन बार बार अगर आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाए रुक जाए एक मैंने चीज सीखी है हमेशा कि आपको नम्र विनम्रता की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए लेकिन आपको किसी को ये भी अधिकार नहीं देना चाहिए कि आपको अब्यूज करे कभी नहीं और कई बार स्पिरिचुअलिटी के नाम में बहुत खपता है सहन करो सहन करो सहन करो इसमें लोगों का अब्यूज़ हो जाता है इमोशनल अब्यूज़ हो जाता है कई बार और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ते अगर झुकने से रिश्ते सुधरते हो तो झुक जाओ लेकिन बार बार अगर आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ ये मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लर्निंग रही है दूसरी चीज़ मैंने ये भी सीखी कि मैंने अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर लिया मैंने अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरह से आसान कर लिया किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया जिंदगी में बस अपने ईगो को लेकर बैठ कर नहीं चलता हमारा जो एक वीडियो है जो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा और जिसने बहुत ज़्यादा लाइफ्स को इम्पेक्ट किया है वो है जहाँ मैंने अपनी कमज़ोरी बताई थी कि जहाँ मैंने अपने फादर को सॉरी नहीं बोला था उनसे मैंने दो साल तक बात नहीं की थी और हर साल मैं अपने पिताजी से मिलने जाता था ये सोच कर कि उनको माफ़ी मांगूंगा लेकिन ये जो अहंकार होता है ना ये आपको कहता है कि मैं सही हूँ और मैं सही था भी ऐसे आज भी मुझे लगता है यही तो अहंकार होता है तो मैंने अपने पिताजी से माफ़ी नहीं मांगी और एक दिन मेरे पिताजी चले गए और मैं कह माफ़ी मांगने की कोई मेरे पास गुंजाइश ही नहीं बची गुंजाइश ही नहीं बची इसलिए मैं कहता हूँ कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान कर लिया किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया ये बहुत ज़्यादा मैंने अपने इन सालों में देखा है और मैंने इसको अपनी लाइफ में थोड़ा कोशिश किया है स्पेशली मेरे फादर के इंसिडेंट के बाद तो ये ज़्यादा भीतर जाके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू मेरे लिए बन गई है अगर आप तीसरी चीज़ पूछिएगा कि uh, क्या इम्पोर्टेंट है मैंने सीखा है जिम रॉन जो है बहुत बड़े ऑथर है उन्होंने कहा कि यू आर द एवरेज ऑफ द फाइव पीपल यूम यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ तो पांच चीज लोग वो जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं लाइफ में बहुत सुंदर आप इवेंट्स की बात कर रहे हैं बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स में जाते हैं बिल्कुल जी बहुत लीडरशिप ट्रेनिंग देते हैं लोगों को और एक लीडरशिप ट्रेनिंग में मैं सुना है कि आप बता रहे थे कि आप गूगल के पास सेल्स फोर्स के पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इधर उधर सब जगह करते हैं आपको क्या लगता है कि लीडरशिप ट्रेनिंग में लीडरशिप का एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्च्यू सभी लोग लीडर हैं कुछ ना कुछ लोगों पर इन्फ्लुएंस डाल ही रहे हैं

अनटिल आई नो हाउ मच यू केयर तो लीडरशिप इज अबाउट लीडिंग पीपल एंड पीपल हैव हार्ट्स पीपल हैव फीलिंग्स एंड एंड पीपल हैव हार्ट्स एंड फीलिंग्स टू बी सेंसिटिव एम्पथटिक टू द फीलिंग्स एंड द हार्ट ऑफ द पीपल हुम वी लीड इज एक्सट्रीमली क्रूशल और मेरा हर कॉरपोरेट जो लीडरशिप सेमिनार होता है उसमें की थीम यही होता है कि लीडिंग फ्रॉम द हार्ट एंड दिस दिस इज अ बिग टॉपिक दिस डेज जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लीडिंग फ्रॉम द हार्ट लीडरशिप जो है केयरिंग चाहे वो स्ट्रैटी से हो या वैल्यू से हो मतलब अगर बिजनेस स्ट्रैटेजी भी हो द बेस्ट स्ट्रैटेजी अगर स्ट्रेटेजिकली भी हम केयर कर रहे हैं लोगों के लिए ये नहीं कि हम बहुत पीपल बेस्ड है लेकिन ये हमारी स्ट्रैटेजी भी हो अगर टू बिगिन विद विथ तब भी वो काम कर रही है जैसे रिचर्ड ब्रांसन ने कहा कि ट्रेन योर पीपल सो वेल दे कैन लीव यू बट ट्रीट योर पीपल सो वेल दैट दे डोंट वांट टू लीव यू सो ट्रेनिंग एम्पावर्स देम टू लर्न बट ट्रीटमेंट एम्पावर्स देम टू स्टे तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा जरूरी है लीडिंग फ्रॉम द हार्ट एंड केयरिंग फॉर द पीपल मैं वापस दो मिनट जाना चाहता हूँ आपकी जो छब्बीस साल की साधना है मैं मोंग से आपके बहुत अट्रैक्टिड हूँ जो आपने इतना साल तपस्या किया उसमें आपने डेढ़ घंटे का बात किया था कि सुबह सुबह साधना करते हैं आप अब मंत्रा मेडिटेशन करते हैं जी है? आ? वो मतलब बहुत फोकस चाहिए होगा डेढ़ घंटा इतना साल छब्बीस साल फोकस पे भी मैं आपसे चाहता हूँ कि अगर आप मुझे यूथ बहुत डिस्ट्रैक्टेड है शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट्स आ गए हैं सब कुछ जल्दी चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है अटेंशन स्पैन कम हो गया है फोकस को लेकर अगर आपकी कोई तीन लर्निंग 26 तो साल का आज निचोड़ अगर सबको हम दे सकें यहाँ पे तो इस वीडियो का हारवाई आ जाएगा सबके लिए आपके सवाल तो एकदम ट्रप ए ट्रिपल प्लस है <laughs> 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 बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके थैंक यू वेरी ग्लैड टू बी हेयर एंड चैट विद यू तो uh, सबसे पहला तो मुझे लगता है कि स्पेशली आज की तारीख में एक डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है जैसे सोशल मीडिया स्मार्टफोन के एज में एक सोने से पहले एक कट ऑफ टाइम हो जहां मैं सोने से पहले अपना फोन बंद कर दू थर्टी मिनट्स पहले हो चले पंद्रह मिनट पहले तो शुरू करें और उठने के बाद कम से कम एक पंद्रह मिनट बाद तक तो फोन को नहीं छूए तो जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कम करने का एक डिसिप्लिन तो लगा है तो ये मेरा फर्स्ट मैसेज होगा मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ ये मैं उठने के बाद कभी कभी देखना पड़ता है फ़ोन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कभी कभी देखना पड़ता है लेकिन मोस्टली मैं उठने के बाद मैं खुद दो से ढाई घंटा फ़ोन चालू नहीं करता आई डोंट प्रेफर टू की और अगर चालू कर भी लूँ तो एक पाँच मिनट में जो भी अगर कुछ अर्जेंट हो उसको देख भी बंद कर देता हूँ मैं फ़ोन और सोने से पहले कम से कम एक थर्टी मिनट्स पहले तो मैं फ़ोन को रख देता हूँ तो इससे क्या हो रहा है कि जो ये स्क्रीन पे जो डिस्ट्रैक्शन चल रही है वो उतने समय के लिए जो कम हो गई तो सवेरे फोकस में मेरे वो रिफ्लेक्ट होगी जब मैं बैठूँ अपने ध्यान के लिए तो ये पहला है एक डिसिप्लेंड लाइफ दूसरा कि हर दिन एक अलग दिन होता है छब्बीस साल में हर दिन अलग दिन रहा है एवरी डे इज अ डिफरेंट डे कभी आपके स्पिरिट बहुत हाई होता है कभी आपका स्पिरिट बहुत लो होता है और इसीलिए एक कंसिस्टेंटली करते रहना कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है राइट right. क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए कि हर दिन अच्छा ही होगा मैं कहीं लेक्चर भी देने गया तो हर दिन एक वही सेम लेवल पे एनर्जी होना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ऑडियंस की एनर्जी भी फीड करती है आपको तो ये सोचना कि हर दिन वही होगा वो इम्पॉसिबल है तो मैं सोचता हूँ कि दूसरी चीज जो मैं बोलना चाह रहा हूँ है। वो स्पिरिट है, अच्छा है या बहुत अच्छा नहीं भी लग रहा है नियम बना लिया करना ही करना नियम है। बना लिया है करना है वो पार्ट ऑफ लाइफ है पार्ट ऑफ लाइफ है वो काम करेगा पहला मैं ये पकड़ पाया कि डिस्ट्रेक्शन को दूर करो डिसिप्लिन डिसिप्लिन से हाँ जी दूसरा मैं पकड़ पाया कि जो आपकी मॉर्निंग साधना है या जो बच्चों जो का पढ़ने का रिचुअल है जिसका जो रिचुअल है ठीक है सी रेट हाई है लो है अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है बैठिए बस पढ़ रहे हैं ना एक थर्टी मिनटिग्नेटेड है ना दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है ना बैठिए बस उस दिन रिचुअलिस्टिकली कर लीजिए नो प्रॉब्लम कल जब अच्छा दिन आ जाएगा ना वो जाएगा लेकिन आज हैबिट टूट गई तो कल फिर हैबिट लगाने में मुश्किल होगी right. अगर मैं छोड़ दिया बीच में क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है आज तो कल को फिर वो तकलीफ होगी बैठने में बल्कि कल तो मूड अच्छा है कल तो माइंड लग रहा है ये दूसरी है कंसिस्टेंसी और तीसरी चीज मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जैसे ही मैं आश्रम में आया मोनेस्ट्री में आया तो मुझे जब मंत्र मेडिटेशन मंत्र जाप सिखाया गया मुझे सबसे पहली बात बोली गई थी कि ये मन तो भटकने वाला है ही ये नहीं सोचना कि आप तीस साल पैंतीस साल चालीस साल की साधना करेंगे और मन यहाँ व नहीं जाएगा इस सोचना गलत होगा मन तो भटकने वाला है ही फोकस वो है कि आप अपने आपके मन को कितनी बार दोबारा लौटा के ला पाए सो डोंट लुक एट हाउ मेनी टाइम्स योर माइंड गॉट डिस्ट्रैक्टेड लुक एट हाउ मेनी टाइम्स यू कुड ब्रिंग इट बैक कितनी बार आप उसको ला पाए अच्छा जब हम मैं देख रहा हूं कि इतनी बार मैं ला पाया तो मैं क्यों ला पाया किस चीज की मदद से मैं अपने मन को ला पाया जब मैं ये एनालिसिस करता हूँ मेरे पास डेटा आ जाता है और फिर मेरा फोकस कोई एक सेंटिमेंटल फोकस नहीं होता डेटा सेंट्रिक फोकस होता है क्योंकि मैंने देखा है कि हर बार जब मेरा मन जब भटक जाता है तो ये करने से मेरा मन वापस लौट के आया पहले एक थोड़े समय के लिए आया हो तो वो जो थोड़े समय के लिए आ रहा है उसको मैं कैसे बढ़ा पाऊँ इससे धीरे धीरे मेरा फोकस का जो ड्यूरेशन है क्या आप ये कह रहे हैं कि वट वर्कॉर यू वो आइडेंटिफाई करो और वापस लेके आओ बिल्कुल एंड वॉट वर्क फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर अदर्स इट्स अ वेरी इंडिविजुअल जर्नी तो जब मैं साधना करता हूँ दूसरे जो हमारे आश्रम में मंक्स है जो मेरे लिए काम करता है मेरे माइंड को वापस लाने के लिए उनके लिए भले नहीं करे सबकी एक इंडिविजुअल चीज़ें होती है जिससे आपका माइंड वापस आ जाए आपने ये तीनों चीजें बताई मैं समझ पाया उनको पहला आपने बताया डिसिप्लिन दूसरा आपने बताया कंसिस्टेंसी आप और तीसरा आपने बताया कि मैं कॉन्शियसली इसको वापस लेके आऊँ अपने माइंड को एनालिस की क्या मेरे लिए मदद कर रहा है वट इज़ वर्किंग फॉर मी इंडिविजुअलिटी यह सब की फिर भी आप बताते हैं कि मन फिर भी भटक सकता है और आपने शुरू में बताया साधु का भी भटक सकता है और ऐसे तो संसार में तो है ही तो आपका मन भटका कभी आपको लगा कि यार बहुत हो गया अब थोड़ा मैं भी शादी कर लूँ या आपको लगता है कि आप आगे चल के शादी करेंगे मतलब आई नो इट्स वेरी पर्सनल क्वेश्चन यू मे लाइक टू रिजेक्ट द क्वेश्चन और यू मे लाइक टू आंसर द नो आई डोंट वांट टू रिजेक्ट द क्वेश्चन इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन मैं तो कहने वाला था कि आप ज़्यादा जानेंगे कि क्या मुझे क्या करना चाहिए मेरी आसक्ति न तो ये वस्त्र पहनने से है नहीं शादी करने से मेरी आसक्ति है और मेरे पर्पज है कि मैं सेवा कैसे कर पाऊँ मैं योगदान कैसे कर पाऊँ अगर मेरा ऐसे रहने से योगदान ज़िंदगी भर अच्छा चलता रहा तो मैं ऐसे ही रहूँगा लेकिन अगर ये पहनने से और ऐसे रहने से मेरे योगदान में कोई व्यत्यय आ जाए तो फिर मैं सोचूँगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि इंसान को किसी वस्त्र से किसी आश्रम से या किसी स्थिति से आसक्त कभी नहीं होना चाहिए इंसान को इम्पैक्ट से आसक्त होना चाहिए बहुत अच्छा दैट्स वेरी गुड फैंटास्टिक ये मुझे ऐसा लगता है कि आज हमने uh, आपसे काफ़ी सारे निचोड़ लिए मैंने मेरे को लगता है एक एरिया जहाँ पे स्टूडेंट और यंग जनरेशन और कभी कभार मैं भी क्योंकि मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आपका मॉर्निंग रूटीन क्या मॉर्निंग रिचुअल क्या है आपका तो मैं बोलता हूँ मेरा रिचुअल है मैं जब सोऊंगा उसके छः घंटे बाद उठूँगा तो uh, फिर भी कई लोग लेकिन प्रॉपिगेट करते हैं फाइव एम फोर ए एम सिक्स एम वो भी ज़रूरी है बहुत महत्वपूर्ण है आपको अगर टिप्स देने हैं कि सुबह जल्दी उठना है मुझे लगता है कि शायद अपने कॉलेज टाइम में आप इतना जल्दी नहीं उठे होंगे जितना आप अपनी मोनिस्ट्री में उठते हैं सुबह तीन से पांच छब्बे साल से आप उठ रहे हैं तो क्या रियलाइजेशन क्या टिप देना चाहेंगे नहीं घर पे तो हम हमेशा चार बजे उठे चार बजे उठे मैंने पढ़ाई हमेशा सवेरे ही की रात की पढ़ाई कभी नहीं की ओके आई हैव ओनली स्टडीड बिटवीन एंड एंड ऑल माय कॉलेज डेज डेज स्कूल शाम को घर के घर आने के बाद कॉलेज से स्कूल से आने के बाद हमने केवल होमवर्क किया है थोड़ा बस पढ़ाई कभी नहीं की सो स्टडीज़ वॉज ऑलवेज़ मॉर्निंग तो हमारे लिए सवेरे जल्दी उठना मुश्किल नहीं था वैन आई केम बट आई नो दैट इट्स नॉट ऑल दैट इजी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल तो मुझे आ, ये कहना है कि हम लोग सब बहुत अलग है हमारी अपब्रिंगिंग अलग है हमारी सिचुएशन अलग है हमारी फैमिली सिचुएशन अलग है हमारी फ़िजिकल और मेंटल कैपेसिटी अलग है हमारी इमोशनल बैंडविड्थ अलग है इसलिए एक चीज़ सबके लिए कभी काम ही नहीं करती तो मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर किसी को ये इच्छा है कि मुझे सवेरे थोड़ा जल्दी उठना है तो आप बस एक घंटे एक या दो घंटे से सोचे क्यों रहे हैं पाँच मिनट जल्दी उठना शुरू कीजिए ना पाँच मिनट तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं फाइव मिनट्स अर्ली आप नौ बजे उठते होंगे अभी आप आठ पचपन को उठना शुरू कीजिए ना आप पाँच मिनट जल्दी उठ रहे हैं और अगर आठ पचपन की आपकी आदत बन जाए और आपके लिए वो कम्फर्टेबल हो जाए तो आप आठ पचास कर दीजिए साढ़े आठ कर दीजिए कितने लोग हैं जो छोटे 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 छोटे, छोटे माइक्रो चेंजेस ला कर माइक्रो ट्रांसफॉर्मेशन ला पाए हैं तो और वो भी जो चेंजेस है वो अपनी सिचुएशन को देख कर कीजिए क्योंकि हर एक की लाइफ बहुत अलग होती है कई लोग होते हैं जिनका इतना स्ट्रेसफुल जॉब होता है कि उनको छः घंटे नहीं साढ़े सात आठ घंटे की नींद लगती है तो उनको ये कहना कि अभी आप पाँच या छः बजे उठ जाए वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा वायलेंस होगा और इनजस्टिस होगा क्योंकि उनके सिस्टम के लिए भी एक रेस्ट की ज़रूरत होती है तो अपने अपने हिसाब से आप एक टेलर मेड सिस्टम बनाएं और उसके हिसाब से ट्रांसफर अपने जीवन से आपने कई चीज़ें सिखाई हैं मुझे लगता है वीडियो बहुत भी बहुत लंबा होना चाहिए बहुत लंबा होना चाहिए पर आपकी किताब आ रही है द या आ चुकी है द वे ऑफ़ द मॉन्क हाँ पहली वाली जो किताब थी वो उसका नाम था लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स और उसी का यूएस और यूके वर्जन है द वे ऑफ द मॉन्क सेम किताब है सेम बुक है द वे ऑफ द मॉन्ग और लाइफ समवेलिंग सीक्रेट उसमें आपने क्या टिप्स दिए हैं मतलब मैं तो लोगों को कि पढ़ना चाहिए सबको पर अगर आप उसका भी कुछ समरी दें कि मैं आपने क्या तीन चार चीज़ों पे बात की है uh, मैंने उस किताब में एक कार का उदाहरण लिया है कार का एग्जाम्पल लिया है और मैंने कहा कि जैसे हम डेस्टिनेशन ए से बी में कार से जाते हैं जीवन में भी जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं उस कार के चार पहिए हैं एक है हमारी पर्सनल लाइफ दूसरी है हमारी रिलेशनशिप्स तीसरा पहिया है हमारी प्रोफेशनल लाइफ और चौथा पहिया हमारे सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन और जो कार की जो स्टीयरिंग व्हील है वो है हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन तो इन पांचों को हम बैलेंस्ड कैसे रखें जैसे पर्सनल लाइफ की कई चीज़ें हैं उसको एड्रेस किया है रिलेशनशिप्स में कई चीज़ें हैं एक सेक्शन वो है प्रोफेशनल लाइफ में हमारी कॉम्पिटिशन है वर्क प्लेस पॉलिटिक्स है इसको एड्रेस किया है सोशल कंट्रीब्यूशन में हम सेल्फिशनेस सेल्फलेसली कैसे रिटर्न कर पाए इसको काफ़ी लोगों ने किताब खरीदी है हाँ जी ली आई थिंक यू और like हिंदी में आई है किताबें हिंदी में जीवन के अद्भुत रहस्य जीवन के अद्भुत रहस्य आपने बहुत तपस्या किया है गौर गोपाल जी मुझे हमेशा आपको प्रभु बोलना बहुत अच्छा लगता है <laughs> क्योंकि आ, आपके चरण स्पर्श करना और आपसे सीखना ये आ, हम सब लोगों के जीवन में संसारी लोगों को जो आपसे सीखना है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने कहते हैं कि कुछ लोग अपनी खातिर अपने सपनों से दूर रहे हैं और कुछ लोग अपने सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे हैं आपने एक बहुत बड़ा पर्पज़ क्रिएट किया है और यही मैं सबको बताना चाहता हूँ ही हैज़ अ ड्रीम फॉर ह्यूमैनिटी वर्ल्ड विद पीस एंड हारमोनी ये इनका बड़ा स्ट्रोंग पर्पज़ है जिसके लिए इन्होंने अपना जीवन दिया है समर्पित किया है आई थिंक ये वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइटफुल मीनिंगफुल परस्पेक्टिव दिया है इन्होंने और आपकी जो है सोच जो होती है वही आपके असली किरदार को बाहर निकाल के दिखाती है सो so गौर गोपाल प्रभु की सोच को हमने यहाँ समझने का बहुत प्रयास किया आप इस वीडियो को किसी कन्फ्यूज व्यक्ति से किसी अनहैप्पी व्यक्ति से किसी ऐसे व्यक्ति से जो पर्पज़ ढूंढ रहा है जिसको मोटिवेशन की जरूरत है जरूर शेयर करिएगा अगर आपको ठीक लगे कोई आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि वह सोचना है किसको देना है आपको ये और रेकमेंड करिए कि अगले बुधवार को आप बड़ा भारत शो में किसको देखना चाहते हैं आपके लिए बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था इसीलिए हमने आपको इनवाइट किया और आपने आने के लिए स्वीकार किया बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना समय इन्वेस्ट किया इन व्यूअर्स के लिए नहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे यहाँ पर बुलाया आपके बड़ा भारत शो में बहुत ग्रेट बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बड़ा भारत शो में हम कुछ ऐसे ही लोगों की कहानी आपके पास लेके आते हैं जो आपको इंस्पायर कर सकें टू डू मोर टू बी मोर टू अचीव मोर बड़ा भारत ये एक ऐसा शो है जहाँ पे जिन लोगों ने भारत को ग्लोबल भारत के जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनसे आप सीख सकें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को सब तक पहुँचाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद गौर गोपाल प्रभु आपका विशेष धन्यवाद धन्यवाद जी थैंक यू वेरी मच तीस सालों में आपने पच्चीस हजार अबला वारिस लाशों को आपने दफनाया जलाया ये अकेले आपने कैसे किया हमारे देश में अपने रिश्तेदारों के लिए लोग रात कोट के नहीं जाते आप लावारिस लाश के लिए भी रात कोट के निकल पड़ते हैं आधी रात में बहुत बुरा लगता है वह लोग आपको खाने से उठा देते थे आपको पता कैसे लगता था कि लाश हिंदू की है कि मुसलमान की है